दुआ आप सारे कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ताजदारे मदीना सैयदुल अंबिया का सदका करके अल्लाह ताला इस हमारी बहन बेटी को मोहतरमा समझदारा को अपने घर में खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इसके ससुराल में और इसके मेके में भी खुशियां नसीब फरमाए, इसके अजीज़ो कारब में भी खुशियां नसीब फरमाए और जितने इनके अजीज़ो कारब रिश्तेदार बहन भाई सब आए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इनके बड़े हैं या छोटे हैं बच्चों से लेकर अल्लाह ताला रहमत नाजल फरमाए और आज की हमारी इस महफिल पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगालिया में कबूल मंजूर फरमाए। और जिस तरह हमारे सौंड वाले भाई जिस तरह आज़र भाई आए जिस तरह ये हाल में हम हर साल ही समंजारा हमारे साथ ही होती हैं और हमारा चैनल भी चल रहा है यूट्यूब, लेकिन हम आज सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपनी बेटियों की या हमने अपने महबूब सैयदुल अंबिया को राज़ी करने के लिए ये उस पर दुरूद पड़ा उसकी हमदो सना बयान की कि जिसने हमें ये इज्जत नवाजी। और मैं खास और खास समन जहरा की वालदा के लिए भी आज दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों बार रहमत नाजल फरमाए। दिल तो बहुत परेशान होता है हर वक्त, चाहे माँ बाप बूढ़े भी हो जाते हैं तो उनकी जो है उनकी ज़रूरतें जो होती हैं ना वो हमेशा इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो मैं खास और खास यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों बार रहमत नाजल फरमाए, इसके भाई को, इसके वालिद साहब को और अल्लाह पाक ढेरों उम्र दराज अता फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी ही व नूर अर्शी ही व ज़ीनत फ़र्शी ही व कास्म रिज़्क़ी ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।